नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुर्नी उपचुनाव में भाजपा की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, मिठाई खिलाकर दी एक दूसरे को बधाई। बिहार विधानसभा उपचुनाव में मिली हार पर कांग्रेस विधायक ने जताई चिंता, कहा भाजपा ने किया लोगों को भ्रमित। नीलम देवी हत्याकांड को लेकर एबीवीपी ने फूका सीएम का पुतला, दरिंदों को कठोर सजा देने की मांग। राइस मिल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 38 जिलों का भ्रमण कर रहे हैं सुनील कुमार। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के कुर्नी उपचुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचंड जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है, जिसकी झलक गुरुवार को भागलपुर के भगत सिंह चौक पर भी देखने को मिली। इस दौरान जीत की खुशी में तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा बजाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं इस जीत को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि गुजरात में मिली प्रचंड बहुमत से भाजपा फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम भाजपा के मेहनतकश कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा आम जनता, गरीब और मजलूमों की पार्टी है और विकास के नाम पर जनता के सामने आती है। साथ ही कहा कि कुछ ऐसे विचारधारा के संगठन भी हैं जिन्हें सत्ता सिर्फ परिवारवाद के नाम पर ही चाहिए। मौके पर भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार गुजरात के अंदर और बिहार में पूर्णी विधानसभा के उपचुनाव में जो जीत मिली है, गुजरात की जीत तो अपने आप में अभूतपूर्व और अप्रत्याशित यह जीत है। वहाँ की यह सातवीं बार गुजरात की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और वहाँ पुनः अपार बहुमत के बाद पहली बार इतना जो प्रचंड बहुमत है, इतना भारतीय जनता पार्टी को मिलने का काम हुआ है। और बिहार में जिस प्रकार एक तरफ महागठबंधन में 7 दलों के लोग मिले थे और भारतीय जनता पार्टी वहां अकेले जो है नीतीश कुमार को यह बताने का काम और तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों ने और पूर्णी विधानसभा के लोगों ने यह बताने का काम किया है कि बिहार के लोगों की क्या इच्छा है। जिस प्रकार से नीतीश जी के और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो अराजकता का बिहार के अंदर माहौल है, जो जंगल राज का द्वारा जो पुनरावृत्ति हो रही है, वह उसके विरोध में वहां का मतदाताओं ने मतदान करने का काम किया है। बिहार विधानसभा के कुर्नी सीट में हुए उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है, जिसमें भाजपा उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को गिनती के अंतिम चरण में 3,632 वोटों से करारी शिकस्त दी है। इस कांटे की टक्कर में लगातार उतार चढ़ाव होता रहा। हालांकि भाजपा प्रत्याशी मतगणना के पहले चरण से आगे दिखे और 7वें-8वें चरण के बाद जीत का फैसला बढ़ता ही रह गया। हालांकि भाजपा प्रत्याशी मतगणना के पहले चरण से आगे दिखी और 7वें-8वें चरण के बाद जीत का फासला बढ़ता ही रह गया। वहीं इस जीत के बाद भाजपा समर्थकों में उत्साह है, जबकि महागठबंधन खेमे में निराशा हाथ लगी है। चुनाव के परिणाम को लेकर भागलपुर विधायक से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा का भी बयान सामने आया है, जिसमें अजीत शर्मा ने कुर्नी सीट पर मिली हार पर चिंता जताई है, जबकि उन्होंने उपचुनाव में मिली हार को लेकर सरकार से समाज में एक तबके के नाराज होने का कारण बताया है। विधायक ने कहा कि कुर्नी विधानसभा में वे स्वयं भी चुनाव प्रचार में गए थे, जहां उन्हें ताड़ी का कारोबार करने वाले पासी समाज के बीच सरकार से नाराजगी दिखी थी। हालांकि विधायक ने सभी समाज को एकजुटता से साथ लेकर चलने और कुर्नी उपचुनाव में मिली हार को लेकर समीक्षा बैठक करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में विभाजन कराती है और ठीक उसी प्रकार चुनाव में सरकार से अपनी मांगों को लेकर नाराज पासी समाज को भ्रमित कर वोट अपने पाले में कर लिया है। वहीं विधायक ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत पर खुशी जाहिर की है, साथ ही गुजरात में मिली हार की अनुशंसा कर पार्टी को और भी मजबूत करने की बात कही है। देखिए, मुझे भी आश्चर्य है कि हम भी कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में दौरा किए हैं, कांग्रेस के सभी लोग हम लोग गए थे। मुझे तो लग रहा था कि हम लोग काफी मतों से जीतेंगे, लेकिन ये क्या खेल हुआ पता नहीं चलता। लेकिन जनता सरकार हमारी है, एक सीट हम हार जरूर गए, लेकिन अफसोस जरूर है कि कुर्नी सीट हम हारना नहीं चाहिए था मुझे। और जहाँ तक मुख्यमंत्री और उपमंत्री चेहरा की बात करते हैं, चेहरा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे जनता 18 साल से
आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बना के रखा है। चेहरा तो है और विकास भी किए हैं। इसलिए ठीक है, हार जीत तो चुनाव में होता रहता है, इस पर हम लोग गहन समीक्षा करेंगे कि आखिर हार क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, तभी इस पर प्रकाश डाल पाएंगे। लेकिन जनता ने जो निर्णय लिया उसका फैसला तो स्वीकार है, लेकिन यह मत कहिए कि महागठबंधन की सरकार चेहरा ठीक नहीं है। बिल्कुल महागठबंधन काम कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू था उससे अधिक काम हम लोग जब साथ मिले हैं तो विकास होगा, तो रोजगार लोगों को मिले। आश्चर्य गुजरात में कैसे लोगों ने वोट दिया। ये बात सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी वहीं के रहने वाले हैं, निश्चित तौर पर हो सकता है उसका असर हो, लेकिन हिमाचल में तो कांग्रेस को लोगों ने सपोर्ट किया, इसके लिए वहाँ की जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस जो सबको लेके चलती है, सभी जाति समुदाय, सभी गरीब अमीर सबको लेके, भाई बहनों को एक साथ जोड़ के चल विकास करती है, वो हिमाचल में। सर, आम आदमी पार्टी भी मैदान में थी, तो कहीं ऐसा लगता है कि गुजरात चुनाव में वोट बैंक पर असर पड़ा है? नहीं, बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी तो हम तो उसको बी टीम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, वो सीधे जनता में क्या कहेगी, हमारी सरकार बन रही है। भागलपुर के पिपैती में नीलम देवी के हत्याकांड मामले में एबीपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर नगर इकाई के आशुतोष सिंह तोमर ने कहा कि जब तक ऐसे हैवान दरिंदों को कठोर से कठोर सजा नहीं मिलेगी, तब तक वे सभी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। साथ ही एबीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सिर्फ गिरफ्तारी से मामला ठंडा नहीं हो सकता है और प्रशासन इस केस को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। आशुतोष सिंह तोमर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ऐसा कोई काम हरगिज नहीं होने देगी जिससे भागलपुर का शांति सौहार्द बिगड़े। साथ ही कहा कि इस तरह की घटना भागलपुर पर कलंक है जिसमें उचित कानूनी कार्यवाही आवश्यक है। वहीं कार्यकर्ताओं ने तिलकामांझी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंकते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रकार से कुछ दिन पहले बीते दिनों पीरपैती में सरे बाजार में उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में नीलम देवी की हत्या कर दी जाती है, वो भी एकदम नृशंस तरीके से, कट्टरता से लबरेज कोई युवक आता है और काट करके सरे बाजार में निकल जाता है। और एक समुदाय विशेष का जिस प्रकार से आजकल पूरे देश में ये जो हमले हो रहे हैं, इस पर सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भागलपुर जैसे शहर में इस प्रकार की घटना नहीं देखने को मिली थी मुझे जहाँ तक याद है, लेकिन इस घटना के बाद अब हम लोग या अन्य जो महिलाएं हैं जो भागलपुर में रहती हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमारे आग्रह है बिहार सरकार से कि इन पर, ऐसे लोगों पर जो अपराधी है, उन पर कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल चलाकर उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। भागलपुर सुल्तानगंज के अब्जुगंज गोला रोड में माँ तारा भंडार मिल एवं मनीष राइस मिल में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे मिल मालिक का लाखों रुपये का नुकसान हो गया। इस आग लगने की घटना को लेकर राइस मिल मालिक मनीष कुमार ने बताया कि माँ तारा भंडार चूड़ा मिल की प्रोप्राइटर सोनी देवी के मिल में सुबह के वक्त बिजली के शॉर्ट सर्किट से दोनों मिल में आग लग गई। मनीष कुमार ने बताया कि आगजनी में दोनों मिल में रखा लगभग 41 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में चूड़ा मिल में रखा धान, चूड़ा बोरा, चूड़ा मशीन, बिजली मोटर, डीजल इंजन एवं राइस मिल में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों एवं अग्निशमन टीम ने काफी मशक्कत के बाद मिल में लगी आग पर काबू पा लिया। इधर अंचल के RO थानाध्यक्ष सहित कई लोग मौके पर पहुंचे और माँ तारा भंडार के मालिक एवं राइस मिल के मालिक से आग लगने के कारण की जानकारी ली। अधिकारी ने बताया कि शाहकुंड, सुल्तानगंज और भागलपुर से पहुंचे बड़े दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी अरविंद प्रसाद सहित कई दमकल कर्मी, ग्रामीण और पुलिस कर्मी मौजूद थे। बिजली शॉर्ट सर्किट से कब लगा था? लगभग 7:15 बजे सुबह। तो कितने का नुकसान हुआ आप लोग? नुकसान तो सर अभी तक अंदाज नहीं है, लेकिन 15-20 लाख का नुकसान है। 15-20 लाख का नुकसान? तो दमकल गाड़ी पहुंचा हुआ था जी, छोटा वाला तो ये आग पे दमकल से पहले हम लोग अपना इंतजाम किए पानी का और गैस सिलेंडर, जो अग्निशामक का सिलेंडर होता है सर, 15-20 को अपने पास 5 को था और अगल बगल से ला के 20-25 सिलेंडर से यूज करके आग को रोके। 200-300 आदमी मेरा गांव का अपना आदमी, गोला का आदमी, सब मदद किया तो आग पे काबू पाया गया जी।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसकी कवायद लंबे समय से जारी है। कितनी सत्ता बदली और कितने सत्ताधारी दल के हुक्मरान शासन में आए, लेकिन बिहार को पीढ़ी दर पीढ़ी निराशा ही हाथ लगी। हालांकि कई ऐसे युवा पीढ़ी के नेता भी हैं जिन्होंने बेहतर बिहार की कल्पना की और प्रदेश को स्वावलंबी बनाने को लेकर मुहिम छेड़ी, लेकिन देश की ऐतिहासिक भूमि बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सका है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हौसला हो तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ एक युवा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम छेड़ी है। दरअसल गया जिले के रहने वाले सुनील कुमार गुरु प्रदेश के 38 जिलों का भ्रमण कर रहे और हाथ में तिरंगा झंडा लिए लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील कर रहे हैं। वहीं अपने इस सफर के दौरान गुरुवार को वे भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय में पत्र भी सौंपकर आम लोगों से इस मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील की। 35 वर्षीय सुनील कुमार गुरु पेशे से एक एक्टिविस्ट है और अब तक 18 जिले का भ्रमण कर चुके हैं। वहीं अपनी इस यात्रा को लेकर उन्होंने बताया कि देश में कई ऐसे संपन्न राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है, लेकिन बिहार के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई नेताओं ने भी इस मसले पर चर्चा की है, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। सुनील कुमार गुरु ने कहा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वे बिहार दौरे पर निकले हैं और सभी जिले में जाकर वहां के जिला अधिकारी को भी पत्र सौंप रहे हैं। जी सर, मैं बिहार विशेष राज्य दर्जा B1 यानी बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने के उद्देश्य से ये मेरा पैदल यात्रा है कि मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये बिहार की जनता की मांग है विशेष राज्य की दर्जा, जिसे बिहार की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले लेके रहेगी। जी हाँ, मैं 38 जिला, 534 प्रखंड, 1010 गाँव, 101 अनुमंडल और 2 करोड़ जनसंख्या को लेकर अभी मैं तत्काल ये मैंने भागलपुर DM कार्यालय में आया हूँ और वहाँ मैं DM कार्यालय को मैं ये सूचना दूंगा और यहाँ से जाके मैं हस्ताक्षर अभियान कराऊंगा और यही हस्ताक्षर अभियान करा के मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं धरना दूंगा और देश के प्रधान से गुजारिश करूंगा कि बिहार की जनता का मांग है विशेष राज्य की दर्जा। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई है और सभी प्रत्याशी चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए सक्रिय होने लगे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 2 चरणों में कराए जाने वाले चुनाव में पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को होगा। वहीं चुनाव आयोग द्वारा विगत 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले मतदान को कोर्ट के आदेश के बाद स्थगित करने के बाद अब दोबारा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई तिथि के बावजूद प्रत्याशियों में जनसंपर्क के प्रति थोड़ी सुस्ती देखी जा रही है। वहीं इसको लेकर प्रत्याशियों का कहना है कि मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उनके मन में तय तिथि पर मतदान को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इन सभी अटकलों के बावजूद एक बार फिर से घर घर जनसंपर्क के लिए प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। भागलपुर नगर निगम के 51 वार्ड के पार्षद प्रत्याशी के अलावा महापौर और उपमहापौर पद के उम्मीदवार जहांदर खाने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने प्रतिद्वंदियों को पटकनी देने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर जिले के 8 नगर निकाय क्षेत्र में होने वाले मतदान को लेकर सभी निर्वाचन पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं भागलपुर नगर निगम के निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए अपर समाहर्ता महफूज आलम कार्यालय में सिंगल विंडो कोषांग के माध्यम से चुनाव से जुड़े कार्य की प्रक्रिया जारी है।
जबकि सुल्तानगंज और नवगछिया नगर परिषद के अलावा हावीपुर, अकबर नगर, सबौर, कहलगांव, पीरपैती नगर पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने के लिए बनाए गए संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी मतदान से जुड़ी प्रक्रिया में जुट गए हैं। भागलपुर DIG विवेकानंद स्मार्ट सिटी के तहत बन रहे भवन का निरीक्षण करने पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने 5 मंजिले भवन में कंपनी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को बारीकी से देखा और जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों एवं कंपनी के प्रतिनिधि को दिया। वहीं इस दौरान DIG ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत बन रहे इस भवन में कंट्रोल रूम बनाया जाना है, जबकि शहर में लगे CCTV कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल की निगरानी के लिए भी यहाँ कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा इस भवन में स्मार्ट सिटी का कार्यालय भी होगा। पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चल रहे भवन का काम मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद कंट्रोल रूम के खुल जाने से शहर में मोटरसाइकिल चोरी और ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों का ये चलान भी यहां से ही कर जाएगा। निरीक्षण के बाद DIG ने बताया कि भवन निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है और इसके पूरी तरह से तैयार होने और उद्घाटन के बाद पुलिस प्रशासन को भी कार्यों में काफी सहूलियत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले लोगों से भी ये चलान के जरिए फाइन वसूलने में पुलिस को मदद मिलेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कंट्रोल रूम बन रहा है, इसी का अपडेट लेने के लिए मैं यहाँ आया था और इस संबंध में जो कंपनी है उनके MD हैं मिस्टर अमित और भी उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, उनके साथ मैंने सभी 5 तलों का भ्रमण किया है और जो कार्य यहाँ किए जा रहे हैं इसकी जानकारी ली और काफ़ी तेज़ी से ये काम कर रहे हैं और इन्होंने जैसा कि बताया है मार्च 2023 तक में ये काम पूरा कर लेंगे और ऑलरेडी इस योजना के तहत कई सारे काम हो रहे हैं जो भागलपुर को एक नई दिशा देगा। करीब 1600-1800 कैमरे लगने हैं, जिसमें से कि 1000 से भी अधिक कैमरे यहां पर अभी लगा करके इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी योजना के तहत ई चालान की व्यवस्था है और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहेगी, इससे चोरी वगैरह की भी घटनाओं को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो नगर निगम की अलग अलग सुविधाएं आम पब्लिक के लिए है उससे भी संबंधित कार्य की निगरानी यहां से होगी। अमित कुमार झा के अपहरण मामले में सुल्तानगंज थाना प्रभारी से मानवाधिकार सेना ने मुलाकात की, जहां पुलिस से बात कर इस घटना से जुड़े सभी आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और सजा दिलाने की मांग की। इस दौरान सुल्तानगंज के नए थानाध्यक्ष प्रिय रंजन का स्वागत अंगवस्त्र और माला पहना कर किया गया। मौके पर मानवाधिकार के चंदन कुमार, भागलपुर जिलाध्यक्ष कुमार मनीष, प्रवीण कुमार, कुमारी बीना भारती और रूपेश कुमार यादव समेत कई लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो पीड़ित परिवार के साथ हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी मानवाधिकार सेना की टीम आज नए पदभार ग्रहण करने के कारण जो है सर के साथ मिले, उनका सम्मान भी किया हम लोगों ने और साथ में मेन मुद्दा यह था कि पीड़ित परिवार को संतावना दिया जाए और उनके साथ जो ये अपराध हुआ है उनका छानबीन ऐसा किया जाए कि अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़ाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। भागलपुर के पीरपैती इसीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बारहाट नया टोला स्थित गंगा संग्रामपुर नाथ बाबा मैदान में पंचकुंडीय शक्ति महायज्ञ को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा यंग संरक्षक श्री अयोध्या दास शास्त्री जी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। पंचकुंडीय शक्ति महायज्ञ में वृंदावन धाम से पहुंचे भागवत कथावाचक अखिलेश किशोरी जी महाराज के द्वारा कथा की जाएगी। वहीं इस दौरान स्काउट गाइड के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद एवं मोहम्मद मकबूल ने अपने स्काउट गाइड के साथ कलश शोभा यात्रा में शामिल होकर श्रद्धालुओं की सेवा की। मौके पर कहलगांव विधायक पवन यादव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता समेत कई ग्रामीण और स्थानीय लोग मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कुर्नी उपचुनाव में भाजपा की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, मिठाई खिलाकर दी एक दूसरे को बधाई। बिहार विधानसभा उपचुनाव में मिली हार पर कांग्रेस विधायक ने जताई चिंता, कहा भाजपा ने किया लोगों को भ्रमित। नीलम देवी हत्याकांड को लेकर ABBP ने फूका CM का पुतला, दरिंदों को कठोर सजा देने की मांग। राइस मिल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख।
और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 38 जिलों का भ्रमण कर रहे हैं सुनील कुमार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।